आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आगरा जिले में कोरोना का संक्रमण अब कई इलाकों में फैल चुका है। शहर के साथ ही कई गांवों के व्यक्ति भी कोरोना संक्रमण की जद में आ चुके हैं। जिन इलाकों के लोग संक्रमित मिले हैं वहां कोरोना रेड जोन घोषित कर सील कर दिया गया है। जिले में अब 7 नए हॉटस्पॉट बनाए गए हैं, जिससे जनपद में अब 39 लाइव हॉटस्पॉट हैं, वहीं 11 हॉटस्पॉट और सामान्य की श्रेणी में आ गए हैं। आगरा जनपद में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बुधवार और गुरुवार को कई केस ऐसे सामने आए जो हॉटस्पॉट के बाहर के थे। इन इलाकों को अब हॉटस्पॉट बनाया गया है। आगरा में अब 39 लाइव हॉटस्पॉट हैं। ये इलाके पूरी तरह सील कर दिए गए हैं। जिले में अब 7 नए हॉटस्पॉट। आगरा जिला प्रशासन ने 7 नए हॉटस्पॉट बनाए हैं, जिनमें नगला बूढ़ी, बम्बा टेलीबलिया, मुंझाई शाहरा, नगला महादेव वैभव नगर, गांव जालुआ कटरा कोला, गांव कपुआ, गमरौली कटारा का मसरा, नगला झारपड़ा, थाना ढोकी भी शामिल हैं। वे 11 हॉटस्पॉट रेड जोन से हटाकर ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं, जहां पिछले 28 दिन या अधिक समय से कोई केस नहीं मिला है, जिनमें मास्टर प्लान रोड खंडारी, होटल क्रिस्टल सरोवर, NH2 बाईपास नगला कदी, रेलवे कॉलोनी आगरा कैंट, कमला नगर, एमिनेंट अपार्टमेंट खंडारी, मोहनपुरा रावली, कृष्णा विहार जीवी मंडी, फब्बारा MM गेट, चारसू गेट और बिचकरी का मकई गांव शामिल है। विजय बघेल, सी न्यूज आगरा।